এখন প্রাইসের জন্য হয়তো বা ক্রেতা কিনবে না, আতারি না না নিলে আরেকজন নিয়ে যাবে, বাজারে মনে হয় লবণ পাওয়া যাচ্ছে না, তো একাধিক কাপড় কিনতে হয়। স্বাগতম সবাইকে মিচু ডিরেকশনে, আমরা চলে এলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে বেস্ট সেলস টেকনিক্স, ক্লোজিং টেকনিক্স, সেলিং স্কিলস, ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা। তোমাকে আসলে আজকে আসলে টাইটেলগুলো অনেক লম্বা লম্বা, এবং এই টাইটেল দেখে কিন্তু বুঝতেই পারছো আজকে বিজনেসের সব কিছু শিখিয়ে ফেলবে এই ভিডিওর মধ্যে, বুঝছো? হ্যাঁ, ওনার যেভাবে কথা বলে তাতে মনে হয় জানে একদিন আমাদেরকে বিজনেস গিলা দিবে। শুধু তো বিজনেস না, যে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করে এবং সব সাবজেক্টের পরে কিন্তু উনি আসলে ওনার বিজনেসের দিকে মোটিভেশন টানে। কোনো এলাকা নিয়ে যদি কথা বলে তারপরে কিন্তু উনি সেটাকে বিজনেসেই নিয়ে যায়। মানে মোট কথা হচ্ছে যে ভিডিও দেখবা সেটাকে তোমার লাস্ট, মোট কথা হচ্ছে উনি ওনার মার্কেটিং করতে হবে। যাই হোক, আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ওনার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা থেকে, আর ওনার ভিডিওর লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। दुनिया में हर आदमी सेल्स कर रहा है और आज मैं कुछ आपको सेल्स की स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। ये सेल्स की स्ट्रैटेजी मेरे एक प्राइवेट वेबिनार से निकाल के दे रहा हूं। मैं आईबीसीस के लिए वेबिनार किया था। अभी 1 तारीख को आईबीसी का जो वेबिनार था उसे मैंने सेल्स की 50 स्ट्रैटेजी बताई, उसमें से कुछ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मैंने कई अच्छे वीडियोस दिए और आगे भी कई अच्छे वीडियोस देने वाला हूँ। सेल्स की क्लोजिंग कैसे की जाए, सेल्स की क्लोजिंग करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है, डोर ऑन द फेस टेक्निक। मुंह पे दरवाजा मार दो, क्या कर दो जी, डोर ऑन द फेस टेक्निक। वो ये क्या होता है जी, कस्टमर के मुंह पे दरवाजा थोड़ी मारते हैं, तो कस्टमर भगवान है, भगवान के मुंह पे दरवाजा ना ना ना, टेक्निक है, सुनो बात को। जब कस्टमर को सामान लेने आए ना, सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट इतना महंगा दिखा दो, इतना महंगा दिखा दो कि आपका कस्टमर एकदम मना कर दे उसको, और जैसे ही मना करे तो फिर उसके बाद आप लोअर प्राइस का प्रोडक्ट दिखाओ जिससे उसको एकदम कंफर्ट कन्वीनियंस आ जाए और बात करने लग जाए आपसे, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, पहले पे ना वो मना कर दे, डोर ऑन द फेस, मतलब एकदम कड़क हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए, है जी। आइडिया इज टू मेक अ कंसेशन दैट अदर पार्टी फील्स ऑब्लाइज्ड, वो अपने आप ऑब्लाइज फील करते हैं, है कि नहीं। देखो, इसी को बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। क्या इफेक्ट? डिकॉय इफेक्ट। सेकंड वीकर ऑप्शन कैन समटाइम्स हेल्प पीपल टू क्लोज बिटवीन द टू पॉसिबिलिटी। सुनो, किसी को अपार्टमेंट किराए पे दिलाना, क्या दिलाना, अपार्टमेंट किराए पे दिलाना। आप जैसे आपको फाजी किराए पे मकान चाहिए, तो प्रॉपर्टी डीलर आए, पहले बहुत बेकार मकान आपको 30,000 रुपये महीने का, इतना गंदा, हर जगह से पपड़ी झड़ रही है, अंदर दीमक लगी है, फर्नीचर है नहीं, अंदर घुसते ही बदबू, बाहर निकलते बदबू, तो आपका 30,000 रुपये का इतना गंदा मकान। उसके बाद फिर आपको वो 25,000 रुपये का एक ब्रांड न्यू फ्लैट दिखाता है, आप बोलते हो अरे भैया यही तो चाहिए था। तो आपको 25 वाला ब्रांड न्यू फ्लैट अचानक बहुत सस्ता लगने लग जाता है, एक्चुअली उसने वही बेचना था। पहले अगर वो दिखा देता ना जाके तो शायद आप ना लेते, लेकिन 30,000 का बहुत बेकार मकान दिखाने के बाद 25,000 का अच्छा दिखाया, आप तुरंत खरीद ले। इसको बोलते हैं डिकॉय इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बिजनेस शिक्षा। पहले महंगी चीज दिखा करके, खराब चीज दिखा करके, फिर सही चीज दिखाए, इसको बोलते हैं चॉइस मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? चॉइस मैनेजमेंट, मतलब जितनी ज्यादा चॉइस दिखाओगे ना उतना कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। तीन मैक्सिमम। कभी साड़ी का जो बढ़िया एक्सपर्ट होगा ना, आप ले गए अपनी बेगम को साड़ी दिलाने, लेके जाना, आप देखना साड़ी का बहुत एक्सपर्ट पुरानी दुकान होगी, वो तीन ही साड़ी दिखाएंगे और तीन में आपको बताएंगे ये तो देखो आपके काम की है नहीं, ये दोनों बहुत चलती हैं, ये बहुत महंगी है, ये रीजनेबल है, तो आदमी वही खरीदता है उस समय। और अगर आपने वो तीनों रिजेक्ट कर दी तो अगली बार भी तीन ही दिखाएंगे, वो तीन आपने रिजेक्ट करी तो फिर अगली बार भी तीन ही दिखाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ प्रूवन मेथड है, ये सालों साल से सदियों से चलता आ रहा है, ये प्रूवन मेथड है, प्रूवन है कि भाई तीन दिखाओ तीन में से एक ले लेगा, ये दो दिखाओ दो में से एक ले लेगा, बहुत सारी खोल दो तो कस्टमर कंफ्यूज होता है, देखता रहता है, फिर उसके बाद देखता है सस्ता है कि महंगा, ऑनलाइन जाता है साथ में बैठ के, बाद यही दिक्कत आती है। अगला है स्केयरसिटी क्लोज अप्रोच। कौन सा अप्रोच? है ही नहीं माल, माल तो नहीं रहा भाई साहब, आइदर यू हैव सेंस ऑफ अर्जेंसी टुडे और सेंस ऑफ रिग्रेट टुमारो, अर्जेंसी क्रिएट कर दो। स्किल्ड मार्केटर जो होता है ना, जिसका स्किल जबरदस्त है,
वो अर्जेंसी क्रिएट करने का स्केयरसिटी, भाई साहब मिल ही नहीं रहा है, बाजार में है ही नहीं। भाई साहब क्या बताएं, भाई साहब क्या बताएं? वो फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिल ही नहीं रहा है। ओ यार मेरे को दिला दे, एक दिला दे, इसे बोलते हैं मतलब घबराता है जी। बिना सेंस ऑफ अर्जेंसी के कोई माल ही नहीं बिकता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब है एक्ट प्रॉम्प्टली, डिसाइसिवली, विदाउट डिले। आदमी कहता है देख मैं तेरे पैसे यहाँ छोड़ जा रहा हूँ, जब आए सबसे पहले मेरा, जब आए देखो डेडलाइन डाल दो। या तो सेल्स में तरीके सीखना चाहते हो आप लोग, सीखना चाहोगे? यस सर। एक तो डेडलाइन डाल दो सेल पे, डेडलाइन डाल दो। हाँ वो बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपने डेडलाइन नहीं डाली ना अपने कस्टमर के साथ में, आपको बोल रहा हूँ भैया आईबीसी, वो क्या करेगा, कंपटीशन को देखने लग जाएगा, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में घुस जाएगा, वो रिव्यूज पढ़ने चला जाएगा, उसके बाद रियल फैक्ट बोलते हैं पोटेंशियल बायर को समझाओ कि भाई तेरे क्या हाथ से निकल जाने वाला है। तो आप देखो एक चीज और है, हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू, हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम। वो आपसे नहीं खरीदे, बताने में क्या नुकसान होने वाला है। मेरे पास ना कारपेट साफ करने की बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है, नहीं ले रहा हूँ। मैं एक बात बताता हूँ भाई साहब, अगर आपने नहीं लिया ना, इतना डस्ट और माइट इस समय आ रहा है और इतना टॉक्सिन और कंटामिनेशन इस समय बरसात के मौसम में आ रहा है, इट मेक होम कम्प्लीटली अनहेल्दी। और बच्चों को तो जीवन आपका रिस्क में वैसे ही रहेगा हर समय, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कारपेट की माइक्रोस्कोपिक असलियत ये है, जिसमें कीटाणु कीटाणु दिख रहे हैं और मूव कर रहे हैं कीटाणु, वो दिखा देता है आपको लेंस से कारपेट पे कीटाणु मूव करते हुए, वही कारपेट जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप बैठते हो, जिस पे बैठ के आप खाना खाते हो, आदमी उसी समय घबरा जाता है। हाँ भैया बता क्या करना है, क्योंकि उसने आपको समझा दिया कि इसका नुकसान क्या। इसको एक और तरीका, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो बिल्कुल पकड़ लिया आपने, ठीक है ये मुद्दा, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो, अभी लेगा तो ये बेनिफिट दे रहा हूँ, और अगर नहीं लिया एक्स्ट्रा ऑफर लिमिटेड टाइम। दो बातें हुई, एक्स्ट्रा ऑफर लिमिटेड टाइम, एक होता है टेक अवे क्लोज अप्रोच, मोबाइल कंपनी गुला एरगुमी दे। अगर आपने नहीं लिया इस समय एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसके साथ में अभी 40 कोर्स फ्री दे रहे हैं, और 15 अगस्त के बाद या कुछ दिन के बाद जो भी आपने डेट बताया उस डेट के बाद ये 40 की जगह 5 रह जाएंगे, तो मैं 35 ले लूंगा। तो आपने टेक अवे कर लिया उससे, क्या कर लिया, टेक अवे कर लिया, तो उसको लगता है भाई ये नहीं छोड़ूंगा मैं, ये चाहिए मुझको, ला दे दे खत्म कर दे। एक होता है हार्ड टू गेट अप्रोच, जो मैंने आपको समझाया, हार्ड टू गेट, इतना उसको मतलब जो है ना वो कर दो कि भाई साहब लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है, थोड़ा अकड़ से बोलो, लाइन लगी पड़ी है। हाँ ऐसे मेरे को ठीक बोला, लाइन लगी पड़ी है भाई साहब, क्या बात कर दी आपने, और मैं दोबारा कॉल बैक भी नहीं करूंगा, बताना तो अभी बता दो, नहीं तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा फोन। हॉट टू गेट अप, आदमी टेंशन में, कह रहा कॉल भी नहीं करूंगा, भाई साहब आप कर लो तो शायद उठा पाऊँ। तो उसके बाद फिर रहता है बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच, बेस्ट टाइम टू क्लोज अप्रोच क्या होता है जी, भाई साहब सभी सही समय अभी है, क्योंकि इस समय ये स्कीम चल रही है, इसके बाद तो स्कीम है ही नहीं, इसके बाद तो स्कीम है ही नहीं, थोड़ा गर्दन से हिलाओ, स्कीम है ही नहीं, है ही नहीं। ओहो आदमी बड़ी टेंशन में आता है कि नहीं। एक होता है फ्लैश सेल, फ्लैश सेल आपने देखा ई कॉमर्स पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत आता है, इंडिपेंडेंस डे पे आता है, दिवाली पे आता है, दशहरे पे आता है, 26 जनवरी पे आता है, इनको वॉल्यूम बेचना है, बिग बाजार सबसे सस्ते 5 दिन। शाओमी और फ्लिपकार्ट की स्टोरी आई थी, शाओमी ने जो है ना 10,000 फ़ोन डाले फ्लिपकार्ट पे और सबको प्रमोट कर दिया, 10,000 फ़ोन आने वाले, 10,000 फ़ोन आने वाले, लोग अपना इंटरनेट पर रेडियो के बैठ गए, 10,000 फ़ोन आने वाले, और जैसे ही फ़ोन का 12 बजते उन्होंने बटन दबाया कि भाई शाओमी बुक कर दूँ, और वहाँ सामने आ गया जी सोल्ड आउट। वो आदमी घबरा गया, अगले दिन अखबार में खबर छप गई, 1 मिनट में 10,000 फ़ोन बिक गए। तो अगली बार आप लोग टेंशन में, भाई अगली बार लेके आया 50,000 फ़ोन उसने अनाउंस कर दिया, और 50,000 फ़ोन लोग बोले मैं बढ़िया इंटरनेट लेके बैठूंगा आज बुक कर लूँगा, पहले 10,000 थे, वो दोबारा दबाया बटन 50,000 फ़ोन, जैसे दबाया सोल्ड आउट। तो इसमें क्या हो गया ना, आदमी के दिमाग में छप गया ये, भाई शाओमी का फ़ोन आता है 1 मिनट में सारा बिक जाता है। तो ये फ्लैश सेल, ये बेसिकली टाइम बाउंड है, लिमिटेड क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है, तीन बातें हैं, टाइम बाउंड है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, वन मोर टाइम, टाइम बाउंड है, लिमिटेड क्वांटिटी है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है, तीन बातें हैं। और आदमी उस समय चक्कर ले लेता है, उस पर अब ये तो मैंने अर्जेंसी क्रिएट किया। एक होती है प्रेशर सेल्स टेक्निक, कौन सी टेक्निक, प्रेशर सेल्स टेक्निक, वो प्रेशर डाल के रखो,
है जी, कुछ नथिंग इज लेफ्ट, कुछ है ही नहीं जी, नथिंग इज लेफ्ट, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, माल खत्म। या फिर एक और देखो, इट इज ओनली फॉर दोज हु अंडरस्टैंड इट, ये खाली उनको दे रहे हैं जिनको इसकी समझ है, सबको तो दे ही नहीं देते, ये खाली प्राइवेट क्लब मेंबर के लिए, ठीक है, प्रेशर सेल टेक्निक है, क्या प्राइवेट क्लब मेंबर सबके लिए है ही नहीं, आइटम ही लिमिटेड है भाई साहब, बन के नहीं आ रहे, पीछे से ही माल नहीं आ रहा है, समझा नहीं, पीछे से ही माल भाई पीछे से नहीं आ रहा, इसके तो हाथ में भैया यही चाहिए मुझको। सो प्रॉस्पेक्ट जो है ना बढ़िया डिसीजन ले लेता है, क्यों, अच्छा आप उसको बताते, ये तो प्राइस बढ़ जाएगा, या इन्वेंट्री खत्म हो रहा है, या वन टाइम स्पेशल है, या फिर इसमें से कुछ आइटम कम कर दूंगा, उस चक्कर में आदमी लेता, प्रेशर सेल्स टेक्निक, जोर से बोलो, प्रेशर सेल्स टेक्निक, बिकॉज सेल थर्सडे को खत्म होने वाली है, सेल्स थर्सडे को खत्म, सो बाय नाउ बिफोर द प्राइस गोज अप, सप्लाईज आर लिमिटेड ऑर्डर नाउ, देखो ना गर्लफ्रेंड के प्यार में ना पाकिस्तान की हार में आता है जो मजा सेल्स क्लोजर होने के बाद में। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি বিবেক বিন্দ্রা হচ্ছে একজন বিজনেস এক্সপার্ট, এবং এইখানের এই ভিডিওতে আসলে সে অনেকগুলো টেকনিক শিখিয়েছে, যে টেকনিকগুলো শিখে আসলে আমরা যদি কখনো বিজনেস করি তাহলে এটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। যে বিজনেস করতে গেলে তোমাকে কী করতে হবে, সবার প্রথম তুমি যার কাছে সেল করবে তাকে তুমি দেখাবে যে এই প্রোডাক্টটা এত টাকা দাম, এই প্রোডাক্টটা যদি আপনি কেনেন তাহলে এটাতে এই পাবেন, এখন প্রাইসের জন্য হয়তো বা ক্রেতা কিনবে না, তখন তুমি তার থেকে লো প্রাইসে দেখাবে, এইভাবে হচ্ছে তোমাকে বিক্রি করতে হবে। ফ্ল্যাট বিক্রির ক্ষেত্রে তো দেখলে বিষয়টা কিন্তু খুব মজার ছিল, মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বেশিরভাগ জিনিসগুলো হচ্ছে স্কার্সিটি তৈরি করা আর হচ্ছে প্রেশার ক্রিয়েট করা, আই মিন মানুষকে কিন্তু এখানে এক ধরনের কনফিউশনের মধ্যে ফেলে দেয়, যে জিনিসটা বাজার থেকে মনে হয় চলেই যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে আর থাকবে না আপনার কাছে, আপনাকে এখনই নিতে হবে, নিলে তাড়াতাড়ি না, না নিলে আরেকজন নিয়ে যাবে, এরকম তো দেখা যায় যে এরকম হলে কিন্তু আমরাও স্বাভাবিকভাবে আমরাও ঘাবড়ে যাই। যেমন মাঝখানে কিন্তু আমাদের এখানে হয়েছিল যে লবণ বাজারে মনে হয় সোল্ড আউট হয়ে গেছে, লবণ পাওয়া যাচ্ছে না, তো সবাই লবণ কিনে, সবাই দেখা যাচ্ছে 10 কেজি করে লবণ কিনেছে, 10 কেজি লবণ কতদিন লাগে খেতে, তো এটা কেউ চিন্তাই করে না যে লবণ এরকমভাবে চলে যাবে, কেউ 10 কেজি 20 কেজি করে লবণ কিনে রাখছে, এটা আসলে ভাবতেই মানে এটা একটা মুখে মুখে রটিয়ে গিয়েছিল যে স্কার্সিটি আছে লবণের, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ ঘাবড়ে গিয়ে এত বেশি বেশি কেনাকাটা করেছে। হ্যাঁ, এবং তুমি শাড়ির দোকানে গেলে কিংবা কাপড়ের দোকানে গেলে যে জিনিসটা করো একসঙ্গে অনেকগুলো কাপড় নিয়ে কনফিউশনে পড়ো যে কোনটা কিনবে কোনটা, তারপর দেখা গেছে যে অনেক সময় একাধিক কাপড়ও কিনতে হয়। তো দোকানে যারা বিজনেস করে তারাও কিন্তু আসলে ওই রকমই করে, অ্যাকচুয়ালি আমিও তাই দেখেছি যে একসঙ্গে 2টা কি 3টা দিচ্ছে, তারপর এই তিনটা সরাতে চায় না, তারপর আবার 3টা বের করছে, এরকমই কিন্তু করে ওইখানে যখন বিজনেস করে। তো বিজনেসের ব্যাপারগুলো হচ্ছে এরকম যে কিভাবে উনি দেখাচ্ছে এখানে যে কিভাবে কিভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করতে গেলে তোমার কাস্টমারের সঙ্গে তুমি কিভাবে ব্যবহার করবে, তো ওনার টেকনিকগুলো আসলে অনেক ভালো, ভালো বলতে আমি বলবো যে এগুলো চলছে আসলে, এবং এগুলো দিয়ে তোমাকে আসলে মোটিভেশন করতে হবে তুমি যার কাছে সেল করবে, যে আপনি যে এই জিনিসটা কিনতেছেন না এটা যদি কেনেন তাহলে আপনার কিন্তু এই উপকার হবে, আর যদি না কিনেন তাহলে আপনার সঙ্গে কিন্তু এই পরিমাণ প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানে হাইলাইট দ্য নেগেটিভ ইফেক্ট অফ বাইং ফ্রম ইউ, তার মানে হচ্ছে যে যখন তুমি ওনার কাছে কিনবে না, তার না কিনলে তোমার কী কী ধরনের খারাপ হতে পারে তোমার সঙ্গে, সেই খারাপ জিনিসগুলোকে আর কি বড় করে তুলে ধরে যাতে তাড়াতাড়ি করে সে ভয় পেয়ে তোমার কাছ থেকেই কিনে। হ্যাঁ, এবং এই যে সেল আউটের যে ফ্ল্যাশ সেল আউটের যে সময়, এটা কিন্তু মজা ছিল, এটা আসলে এরকমই হয় যে আচ্ছা 10টা মোবাইল আজকে দিনের মধ্যেই সেল হয়ে যাচ্ছে, মানে একদিনে কীভাবে সেল হয়ে যায় খুব দ্রুততার সহিত, এবং এটা কিন্তু আসলে ওই সব কোম্পানির জন্য মার্কেটিংয়েও বলবো যে তারা এইগুলো কিছু মানুষকে দিয়ে বা এটা নিয়ে তারা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে, এবং সেই ক্ষেত্রে মানুষ আরও এইগুলো সম্পর্কে বেশি বেশি জানে, তাদের প্রোডাক্ট কিনতে চায়, তো সেটা হচ্ছে তাদের পলিসি। কিন্তু যতবার এরকম চেষ্টা করেছি আমি কিন্তু কখনো পাইনি, সবসময় দেখেছি যে এটা সেল আউট হয়ে গেছে, আমিও ঠিক বুঝি না যে 1 মিনিটে কিভাবে সম্ভব সেল আউট হয়। সবাই বললো না, সবাই মোবাইল হাতে করে নিয়ে বসে থাকে নেটে যে কখন এটা আমি করবো। তো ওভারঅল ভিডিওটা থেকে বিজনেস নিয়ে অনেক কিছু শিখলাম, আর আরও যদি কিছু শিখতে যাও তাহলে ওনার পেইড কোর্সে যেতে হবে, বুঝতে পেরেছো, যেটা হচ্ছে উনি পরবর্তীতে ওনার পেইড কোর্সে মার্কেটিং করছিল। তো আমরা ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা অনেক ভিডিওই দেখি এবং সেসব ভিডিও থেকে অনেক কিছু জানতে পারি, শিখতে পারি, আজকের এই ভিডিও থেকেও কিন্তু আমরা বিজনেস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছি এবং শিখতে পেরেছি। আজকের এই ভিডিওর উপর আমাদের যে রিয়েকশনটি সেটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।